जब हमने पहली गाड़ी अपनी 2015 में खरीदी, लोन लेके ही खरीदी थी यूज्ड कार, कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि गाड़ी अपग्रेड करनी चाहिए। वो गाड़ी जब हमने सेल की तो एक मार्जिनल प्रॉफिट में। दोस्तों, अभी तक आप कार के असल के हर इंसान से मिल चुके हैं। आपने देखा कैसे सर्विस होती है, शाकिया जी से मिल चुके हैं जो आपको कार्स को दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कार के असल के ऑनर कौन हैं, जिनकी जर्नी एक कार से स्टार्ट हुई और आज ये कारवां देखिए बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? क्या इसके पीछे सीक्रेट है, क्या क्या चीज़ें वो करते हैं? तो एक बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब कि उनसे जानेंगे जो जानना चाहते हैं कि कैसे अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, ठीक है? उन्होंने एक कार से जर्नी शुरू की थी। अगर आप कार कैसल के ऑनर का नाम जानते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उनके ऑनर कौन हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं और उनसे मिलते हैं, लेट्स कम। सो आइए फ्रेंड्स, मैं मिलाता हूँ आपको कार कैसल के फाउंडर से। राजी, आपका स्वागत है ड्रीम प्लांट में। थैंक यू जी। मैं बहुत टाइम से कार कैसल के साथ जुड़ा हुआ हूँ लेकिन कभी टाइम नहीं मिला, इतने बिजी रहते हैं ये कि मैं बता नहीं सकता। आज मौका मिल रहा है, लेट्स टॉक टू हिम। थैंक यू, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ जी। सो राजी, आपके पास ये जो आइडिया आया और जो भी आपने शुरू किया तो आप बताइए कैसे किया आपने इसको? मैं लगा लूँ इधर? हाँ। क्या जानना चाहते हैं बताइए? आपकी जर्नी कैसे रही? जहाँ तक मैंने सुना है ये जर्नी एक कार से शुरू हुई थी। हाँ जी। और अब मैं देखता हूँ कार का रोड पे भी देखता हूँ कार के सर्कस स्पीकर लगा हुआ है। ये ब्रांडिंग कैसे लिया आपने? कितना बजट चाहिए? अगर आप लोग नए हैं, बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या बजट चाहिए? बजट चाहिए या आइडिया चाहिए? जानते हैं सर, मेरे हिसाब से बजट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया अगर आपका सक्सेसफुल है तो बजट बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हो जाएगा। अच्छा। आपके पास नहीं है तो अगर आपका आइडिया हिट है तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। शायद हमारे साथ भी वही हुआ। एक गाड़ी जैसे आपने मेंशन किया, डेफिनेटली ये सही है। 2015 में हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था एक गाड़ियों से। आज के दिन में कार कैसल का स्टॉक साइज़ में करीबन 30 गाड़ियाँ तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगी रहती हैं एंड वी आर एस्पायरिंग फॉर मोर। पहले हमारे पास ऑफिस भी नहीं था, आज के दिन में 2 ऑफिस हैं एंड वी आर ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर द थर्ड ऑफिस, जो शायद अगर भगवान चाहे तो बहुत जल्दी हो भी जाए। मन में विश्वास था और नियत साफ था जिसके कारण से हम लोग मेहनत करते रहे और दिन पर दिन भगवान का सपोर्ट के कारण से हम लोग आज के दिन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रही बात आइडिया कहाँ से आई, तो गाड़ियों का मुझे शौक बचपन से था। अच्छा। गाड़ियाँ देख करके मैं किसी भी एंगल से शायद पहचान जाता था कि कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो शौक जो है वो शुरू से था हमारे अंदर में। जब हमने पहली गाड़ी अपनी 2015 में खरीदी, लोन लेके ही खरीदी थी यूज्ड कार, कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि गाड़ी अपग्रेड करनी चाहिए। वो गाड़ी जब हमने सेल की तो एक मार्जिनल प्रॉफिट में सेल कर दी थी और उसके बाद से उसी समय पे ये एक आइडिया क्लिक हुआ, क्योंकि यूज्ड कार मार्केट इंडिया में जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं था और लोगों के डर में, मतलब मन में जो है एक मिथ था कि यूज्ड गाड़ी खरीदने जा रहे हो एक्सीडेंटल मिलेगी। बिल्कुल सर, मेरा तो जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ या आपसे मिला हूँ उसके बाद मेरा फंडा क्लियर हुआ, वरना मुझे लगता था चोरी की गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी ही सेगमेंट का। ऐसा होता नहीं है ऐसा। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन में इंडिया में यूज्ड कार इंडस्ट्री जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज होते जा रही है, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आज के दिन में जो है यूज्ड कार इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जिसके कारण से ये काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुका है। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो पहले न्यू कार वर्सेस यूज्ड कार का जो रेशियो था भारत में वो 1:1.1 था, यानी एक नई गाड़ी बिकती थी तो 1.1 यूज्ड कार बिकती थी। लेकिन इसको भी जो है ये बूम मिल गया जब से जो है कोविड आया। आज के दिन में जो रेशियो है दैट इज़ 1:2.5, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक नई गाड़ी बिकती है तो उसके अगेंस्ट में 2.5 टाइम्स यूज्ड कार सेल होती हैं। तो इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखिएगा तो काफ़ी पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में और शायद हम लोगों का एंट्री का भी ये सही समय था। आज कार कैसल का करीबन 7 साल हो गया है एंड ऑन 17 सितंबर वी वुड बी टचिंग आवर 8th ईयर।
तो उस हिसाब से शायद जब हमने कदम रखा तो इंडस्ट्री भी बूम कर रही थी और कोरिलेशन में ऐसा हो गया कि कारकेसल को बम्प मिल गया और आज के दिन में हम लोगों ने जो भी सक्सेस किया है वो टाइम फैक्टर, टाइम को भी एक फैक्टर हम लोग दे सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बजट नहीं था, एक छोटा सा बजट जो भी लोन पे छोटा सा अमाउंट लिया था, गाड़ी ली, प्रॉफिट में बेच दी और वहाँ से इनको आइडिया आ गया। एग्जैक्टली सर। तो कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए बजट बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आइडिया एक फंडा है पूरा। एकदम ठीक है। तो और सर एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब पे कि जो आप गाड़ी दे रहे हैं वो एक्सीडेंटल है नॉन एक्सीडेंटल, कैसे आप गाड़ी लेते हैं और कैसे बेचते हैं? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है आपका। बेसिकली देखिए, जो भी गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि गाड़ियाँ कैसी हैं। बीइंग अ यूज्ड कार डीलर, आज के दिन में मैं ये भरोसा के साथ बोल सकता हूँ कि ये गाड़ियाँ नॉन एक्सीडेंटल हैं, लेकिन आपके लिए एक्सेप्ट कर पाना कि ये गाड़ियाँ सच में नॉन एक्सीडेंटल हैं या नहीं है, उसमें काफ़ी सारा चीज़ होता है, काफ़ी सारा फैक्टर्स होता है जिसको हम लोग कंसिडर करने के बाद जो है एक गाड़ियाँ प्रोक्योर करते हैं। पहला चीज़ होता है जो हम लोग कारकेसल में फॉलो करते हैं, टू लेयर ऑफ इंस्पेक्शन। कोई भी गाड़ी अगर ख़रीदते हैं हम लोग, क्योंकि वो वैसी गाड़ियाँ रहती हैं जहाँ पे पैसा हमारा खुद का लग चुका है, तो एज अ बायर अगर मैं किसी चीज़ पे पैसा लगा रहा हूँ तो मैं भी तो रेस्ट अश्योर्ड होना चाहूँगा कि मैं जो गाड़ी ख़रीद रहा हूँ मैकेनिकली सही होनी चाहिए, बॉडी वाइज सही होनी चाहिए, गाड़ियाँ नॉन एक्सीडेंटल हों, किसी तरह के केस में इन्वॉल्व ना हो। तो टू लेयर ऑफ इंस्पेक्शन होता है, हमारा टेक्नीशियन जाता है 180 चेक पॉइंट्स पे जो है गाड़ियों को इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद उसमें रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि गाड़ियाँ सच में लेने लायक हैं या नहीं हैं, यानी कि उसको रिफर्ब करने के बाद क्या वो गाड़ी वापस से नई जैसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर कोई गाड़ियाँ एक्सीडेंटल हैं तो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेट नो फॉर कारकेसल। अगर किसी गाड़ी का इंजन पहले से रिपेयर हुआ है तो दैट्स अ स्ट्रेट नो फॉर कारकेसल। हम लोग वैसी गाड़ियाँ कभी नहीं लेते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वैसी गाड़ियाँ कभी भी हम लोग अपने स्टॉक में नहीं लेते हैं। ओके, रही बात डेंट पेंट माइनर स्क्रैचेस वगैरह की, तो वो कोई भी गाड़ी जो रोड पे चलती है उस पे माइनर स्क्रैचेस होता है। लोगों का अभी भी ये मिथ है कि गाड़ी रंगी हुई है, पेंट हुई है, पेंट हुई है तो एक्सीडेंटल होगी, ये गलत मिथ है। अगर गाड़ी मान लीजिए रोड पे चल रही है, गली छोटे छोटे होते हैं, स्क्रैचेस लग सकता है, स्क्रैच लगने का मतलब एक्सीडेंट नहीं होता है सर। लेकिन सर एक चीज़ और थी कि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस वाले उस पर एक्सटेंडल कर देते हैं ताकि आपका नंबर ऑफ ईयर में जो डेथ रेशो है वो कम होता रहे। देखिए वो कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। होता क्या है जनरली, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, अगर गाड़ियों का अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो कंपनी दिखाती है कि कार जो है एक्सीडेंटल रिपेयर। एक्सीडेंटल रिपेयर बोलने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंट टूकी हुई है। गाड़ी में अगर एक फेंडर भी अगर रिपेयर हुआ है ना, गाड़ी का अगर एक कोई डोर भी रिपेयर हुआ है, रिफर्ब हुआ है, तो उसको भी वो लोग रिपेयर जॉब में डालते हैं ताकि कस्टमर को जो है अपने जेब से पैसा ना देना पड़े और इंश्योरेंस से जो है वो पैसा जो है सेटल हो जाए। हाँ जी ठीक है। तो सर एक चीज़ और है, आपका भी क्वेश्चन था, मेरा भी क्वेश्चन है, व्हाई कारकेसल? गुड क्वेश्चन सर। हम लोग जब 2015 में ये कंपनी स्टार्ट किए तो हमारा मेन मोटिव ये था, क्योंकि हमने जब अपना पहला गाड़ी ख़रीदा था तो हमने ये सोच करके ख़रीदा था कि गाड़ी ऐसी मिलनी चाहिए जिसको लेकर के मुझे बार बार गैराज में ना घूमना पड़े। माइनर स्क्रैचेस वगैरह था तो मुझे देख करके खुद में ख़राब लग रहा था यार कि ऐसा गाड़ी मैं लेकर के जाऊँगा, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, कहाँ से गाड़ी उठा करके ले आया। उस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि मैं अगर कोई गाड़ी कस्टमर को दूं, तो कस्टमर बेफिक्र होकर के आंख बंद करके उस पर भरोसा के साथ उस गाड़ी को लेके जा सके कि इस गाड़ी में कोई किंतु परंतु नहीं है। गाड़ी अगर वो ले रहा है तो सेफ जगह से ले रहा है, उसको पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी मिल रही है, वारंटी अश्योर्ड गाड़ियां हम लोग बेच रहे हैं। अगर आपको आज के दिन में एक यूज्ड कार पे वारंटी चाहिए, मैं आपको यूज्ड कार पे भी एक साल की वारंटी दूंगा। ओके, बाईबैक वारंटी तो बाई डिफॉल्ट कारकेसल के साइड से आपको एनी टाइम मिलेगा। कोई भी गाड़ी आप हमारे यहाँ से लीजिए, 3 महीने का बाईबैक वारंटी हम लोग देते हैं, वो शायद मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट कारकेसल शायद कोई भी देता होगा। इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन, इन सब चीज़ों का गारंटी आपको मार्केट में कोई नहीं देगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, कुछ स्टैम्प के साथ में दे रहा हूँ, और काफ़ी लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाए भी हैं। देखिए मशीन है, बिगड़ सकती है, ह्यूमन बॉडी भी बिगड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मर ही जाता है। गाड़ी ख़राब होने का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी,
हो सकता है कि 100 में से 1000 में से कोई एक मशीन जो है परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रही है, तो वैसे कंडीशंस में जो है इधर यू टेक द मनी बैक और एल्स आई विल गेट दैट रिपेयर टू योर सेटिस्फैक्शन, वो मैं करके आपको दूंगा। इतना पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है कंपनी के साइड साथ, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को फर्दर डाउट होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, डाउट कोई भी नहीं है। अगर अच्छी सर्विस नहीं होती, अच्छी गाड़ियाँ नहीं मिलती, तो आज आप दूसरा ऑफिस भी खोल पाते, ठीक है, और यू आर प्लानिंग फॉर थर्ड। एग्जैक्टली सर, यू आर डूइंग गुड, दैट मींस की क्वालिटी ऑफ कार कार के सबके पास है। डेफिनेटली हमारे पास कंप्लेनिंग कस्टमर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा जीरो है, शायद 0.1% में होंगे लोग। ओके, ये वाला कॉन्फिडेंस तो मैं हर के चेहरे पे देखता हूँ, शाकिर जी को देख लो, सर को देख लो। तो सर एक चीज और, अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि BS3 और 15 साल वाली पुरानी गाड़ियाँ, तो उसके बारे में बताइए कुछ। अच्छा, तो बेसिकली सर अभी एक कमिटी फॉर्म हुई है जिन्होंने गवर्नमेंट को जो है अपना एक प्रपोजल दिया है। अच्छा। अगर मैं बात करूं कि इम्प्लीमेंटेशन का, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, एटलीस्ट फॉर वेस्ट बंगाल ये वाला जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, दैट इज़ अंडर डिस्कशन। ओके, और इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहला चीज़ ये है कि अभी जो पहला डायरेक्टिव्स दिया गया है जो इम्प्लीमेंट होना बाकी है, डायरेक्टिव नंबर 1 ये बोलता है कि वैसी गाड़ियाँ जो 2000 या फिर इसको ऐसे फ्रेम करते हैं, वैसी गाड़ियाँ जो रोड पे चल रही हैं जिनका उम्र 15 साल से ज़्यादा है, उन गाड़ियों पे सबसे पहले स्क्रैपेज पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। ओके, लेकिन इस पर भी एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं मेरे पास एक 2004 की एक गाड़ी है, 2004 ईयर की गाड़ी है, जिसका 15 साल का रजिस्ट्रेशन 2019 में एक्सपायर किया। ओके, क्योंकि इंडिया में कोई भी प्राइवेट कार रजिस्टर होती है तो वो 15 साल के लिए रजिस्टर होती है। 2019 में हमने उसका फिर से फिटनेस करवाया तो RC इज वैलिड अपटिल 2024। अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें जो अभी आया है डायरेक्टिव्स, उसके हिसाब से अगले 6 महीने में इन सबको स्क्रैप कर देना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 2019 में हमने तो वापस से गवर्नमेंट को टैक्स भरा, मेरा जो RC है वो 2024 तक वैलिड है, तो कायदे से 2024 तक तो मैं वो गाड़ी चला सकता हूँ। तो इस पर अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है, ये अभी भी अंडर डिस्कशन है और इस पर कुछ भी ठोस मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हाँ, इसके कारण से लोगों में पैनिक डर जरूर हो गया है, लोग पुरानी गाड़ियाँ जल्दी अब नहीं लेनी चाह रहे हैं, पुरानी आई मीन टू से जो गाड़ियाँ 10 साल 12 साल पुरानी हो गई वैसी गाड़ियों पे लोग जल्दी शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। बट छोटी पेट्रोल गाड़ी अभी भी मार्केट में बिक रही है, डीजल गाड़ियों पर वो पाबंदियाँ पहले लगेंगी। ओके, तो कार कैसल की तरफ से क्या क्या इन हाउस एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगी? सर गाड़ी खरीदने से लेकर के गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र कराने तक जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब कुछ आपको हमारे यहाँ पे ही मिलेगा। अच्छा। तो मैं इसको थोड़ा बाइफरकेट करके समझा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एज अ कस्टमर हमारे पास आते हैं, आपने गाड़ी देखी, आपको कोई गाड़ी पसंद आई, आपका पहला सवाल शायद ये हो सकता है कि क्या इस पर फाइनेंस मिलेगा। हमारा जवाब है हाँ। फिर आप शायद मेरे से पूछेंगे कि फ़ाइनेंस आप कहाँ कहाँ से करवाते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि सर आपका प्रोफाइल जहाँ से मैच करेगा उसके हिसाब से मैं आपको जो है आपका फ़ाइनेंस करवा दूँगा। फाइनेंस हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे EMI, डेबिट कार्ड पे EMI, जो कि मार्केट में बहुत यूनिक है। बहुत लोग बोलेंगे डेबिट कार्ड पे EMI हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपका बैंक आपको वो ऑथराइजेशन दिया है या नहीं दिया है। आपके कार्ड पे अगर वो लिमिट है तो मैं अपने स्वाइपिंग मशीन पे आपको यहीं से ब्रांड EMI का ऑप्शन में पंच करके आपको गाड़ी EMI पे दे सकता हूँ। ओके, यूज्ड कार का लोन हमारे पास उपलब्ध है, चेक से पेमेंट लेंगे, स्वाइपिंग मशीन है हमारे पास में, जिस भी मोड से आप पेमेंट देना चाहेंगे उस मोड से हम पेमेंट ले लेंगे। GST वाली बिल आपको इशू करेंगे, बाकायदा सरकार को भी टैक्स देते हैं। That's good. ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। अगर कोई भी डील हो रहा है तो जो भी GST का अप्रोप्रिएट अमाउंट है वो भी सरकार को जाता है। यू गेट ए सर्टिफाइड GST इनवॉइस विथ यू, आप उसको कहीं पे भी अपने एक्सपेंसेस में दिखाना चाहते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। रही बात सर्विसेज की, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर गया था। लोन का फैसिलिटी है, इन हाउस नेम ट्रांसफ़र होगा, यानी ऐसा नहीं है कि हमने आपको गाड़ी बेच दी उसके बाद आप वो पेपर ले जा करके RTO में धक्के खा रहे हो। अच्छा। मैं आपको नाम ट्रांसफ़र करवा के भी दूंगा,
इंश्योरेंस हम लोग करवा करके देते हैं, चार्जेस आपका रहेगा सर। ओके, अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस मान लीजिए अगले साल रिन्यू कराना है, आप हमको फ़ोन कीजिए, रिन्यू करा के भी देंगे गाड़ी को। अगर आपको पोस्ट सेल सर्विस में भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस कि आपकी गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन कर गई है, या फिर गाड़ी का चक्का पंचर हो गया है, गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा है, कुछ भी सर हो सकता है, ठीक है। तो वैसे जगह पे ऐसा नहीं होगा कि हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं पहचानते हैं, या फिर आपका फ़ोन इग्नोर होगा। डेफिनेटली जहाँ पे भी बेस्ट पॉसिबल में भी आपको असिस्ट कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली आपको किया जाएगा। और क्या सर्विसेज चाहिए सर आपको, बताइए। सर मैं तो वैसे ही पूरी हैप्पी। सो आप लोग भी अगर सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं, एक ही डेस्टिनेशन हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, ताजे से और ऑफर तो आते रहते हैं। साकेत जी तो आपको जानते हैं, खूब ऑफर देते हैं आपको, ठीक है। तो सर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, ऑफर्स जो होता है ये सेल्स को बूस्ट करने के लिए होता है, कस्टमर को अपने यहाँ बुलाने के लिए होता है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा आपको ऑफ़र के नाम पे अपने घर से कुछ नहीं देता है। सिंपल सी बात है, ऑफ़र दिल खोल करके दे सकते हैं, एकदम दिल खोल करके देंगे भी, आप एक बार आइए, लेकिन एंड ऑफ द डे वही होगा कि आई विल नॉट बी गिविंग इट फ्रॉम माई पॉकेट सर। हाँ, हमारा जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा उससे हम आपको खुश होकर डेफिनेटली और कस्टमर डिलाइट कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं। आप स्पेसिफिक बोलिएगा कि एक टंकी फ्यूल फ्री मिलता है, नहीं मिलता है। अगर आप बोलिएगा कि गाड़ी के साथ बॉडी कवर फ्री मिलता है, नहीं मिलता है। ऑफ़र नाम का कोई चीज़ नहीं होता है सर, ये सारा चीज़ एक्सेसरीज डिमांड होता है। वो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, कौन सी गाड़ी आप ले रहे हो, किस हिसाब से आपका हमारा रिलेशनशिप है। अगर आप खुशी से मांगिएगा तो हो सकता है हर कुछ दे दें, खुशी से मांगिएगा तो सर सब कुछ दे सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप एक बार आइए, अपना जर्नी जो भी है कार कैसल के साथ स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली वी आर देयर टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू विद। ग्रेट, कोई भी मालिक इस ढंग से नहीं कह रहा कि मैं ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें पहले बिल्कुल सच्ची चीज़ बोली है और वही चीज़ मैं कार कैसल की हमेशा से पसंद करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी और एंड टू एंड कार सर्विस। तो राजी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और मैं और कुछ वीडियोस करना चाहूँगा जिसमें कस्टमर्स को कार की डिस्क्रिप्शन वगैरह बताएंगे, डेफिनेटली। तो आपका टाइम चाहिए होगा और ड्रीम प्लांट तो आपके साथ है ही है। गाइस गौरव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल करके ड्रीम प्लांट के व्यूअर्स को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, कार कैसल के भी काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनकी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इनको मोटिवेट करें। थैंक यू राजी, थैंक यू।